ऑलवेज हर शो के पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये एक बहुत ही खास शो है बिकॉज सारे जो ग्लिटर आते हैं एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक वर्ल्ड के ज़्यादातर मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, वो सारे मेरे ये शो के लिए चल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो जनरल जो शोज़ में रहती है उससे कई ज़्यादा है। क्या कुछ थीम होने वाला है, कुछ अलग सा? पूरा वी आर सेलिब्रेटिंग अ वेडिंग डे, तो जितने भी कपड़े हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू ऑथेंटिक इंडियन वेडिंग। हमने तीन सीक्वेंसेस करी है, एक एब्सोल्यूट फेरे का जो लुक होता है वो, एक बहुत ज़्यादा जो लुक अभी चल रहा है वो कॉकटेल वेयर का है, लोगों को पता नहीं चलता है कि इंडो वेस्टर्न लुक कैसे होना चाहिए, तो हैरी जो मेरे साथ है वो ओपन करे मेरा इंडो वेस्टर्न लुक सेक्शन। अपनी वाइफ के साथ चल रहे सुनैना के साथ, सुनुकम, एंड आई थिंक आप इनसे पूछे कि वो कितने एक्साइटेड हो। आप कितने एक्साइटेड हो और क्या कुछ देखने वाले हैं? सर मैं अभी उम्र के हिसाब से जंप नहीं कर सकता, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ, जंप करने का मन कर रहा है। वी हैव ऑलवेज बिन फैन ऑफ एमीज क्लोथ्स, हमारी दोस्ती बहुत ही मटेरियलिस्टिक दोस्ती है, क्योंकि इनके कपड़े देख के हमने इनसे दोस्ती करी, हमने कहा अरे वाह अच्छे डिजाइनर है, इनसे दोस्ती कर लो, तो आज पता चला है मुझे। जी हाँ, तो वो अलग बात है, मैंने इनसे अभी तक कुछ भी स्टिच कराया नहीं है, बिकॉज इनका बहुत ही ज़बरदस्त, आई लव द वे स्पेशली अ ब्राइडल कलेक्शन इज ब्रिलियंट, शी इज अ बिग फैन ऑफ एमी, एंड थैंक्स टू हर आई थिंक हिम एंड मी आर वॉकिंग द रैंप टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल बिकॉज ऑफ एमी, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वी आर लाइक अ फैमिली एंड वी ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर एमी। थैंक यू। एमी, क्लोथ्स के अलावा ज्वेलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वेडिंग में, तो क्या कहेंगे वेडिंग में? एक्चुअली द ज्वेलरी इज बीइंग डन बाय अनूप शाह। अनूप, कैन यू कम हियर, टॉक अबाउट योर ज्वेलरी? सो वी विल टेक योर लीड। All the best. All the best. See you on the floor. So we have this entire look which is planned with his contemporary jewelry for the modern woman of today. And you can talk about your jewelry. Wedding की बात करें तो ज्वेलरी काफी important role play करती है wedding में, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की ज्वेलरी होगी? It's gonna be bridal jewelry, but something जो आप बाद में भी पहन सके. So lot of mix and match jewelry which people can wear only, not only for that occasion, but even after that occasion you can mix and match and wear it with your other occasions as well. So it's gonna be a mixture of modern as well as traditional and contemporary designs. Now we'll do one by one everyone's buying. क्या ना चाहेंगे? रैंप पे चलने वाले। मैं तो ये दो खूबसूरत कन्याओं के साथ खड़े होकर मेरे पैर कांप रहे हैं, तो पता नहीं उस दिन क्या होगा। दिस इज सेकंड टाइम आई एम कनेक्टेड टू एमिस क्रिएशंस, वन सेवेंथ वी हैव फैशन शो इन मैरियट, इट वाज मैरियट एंड आई लव्ड इट एंड नाउ आई एम वेयरिंग इट, इट्स अ ब्यूटीफुल गाउन, सो आई एम एक्साइटेड टू बी ऑन स्टेज इन अ न्यू क्रिएशन। Lehenga sari which Amy has designed, which is very pretty, and I'm wearing a really pretty color which is like a white with gold and a little pink, which is very in I think in this season, so I think it's going to be a hit on the ramp. What do you think, Amy? Well, I'm really happy that all my brides are here, Lavinia, Anjumana, Sujata, and we're all really excited because hum rehearsals karenge abhi, and I think actual look ke bare mein agar aap Sunday ke liye wait kare to wo zyada acha rahega, because you know the club is having its entire new look, and उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हम ये शो कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, वी आर रियली एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग टू रॉक द शो। Amy happens to be a very good friend of mine and we're pretty excited to be a part of the show. So, all the good luck. Yeah, I would love to. Amy, I always look good for you wearing her outfits, and I'm also wearing a very nice outfit with her brother's jewelry. So I'm also very excited about it. All the best. Whatever jewelry we are wearing and
I'm wearing a very heavy jewelry that Anoop has designed. His collection is really nice. And I'm wearing one of Amy's wonderful ghagras. It's a beautiful color and a lot of good work on it. And I'm looking forward to walking in Amy's ghagra and Anoop's jewelry. So I'm very excited. And to be a bride again is not a joke, right? So.